डिजिटल मीडिया के बारे में मेरी राय ये है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है कि डिजिटल इतना खुल गया है. बहुत सारे अच्छे लोग डिजिटल में काम कर रहे हैं, अच्छी कहानियाँ बन रही हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं और हमारे जैसे एक्टर्स को अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव ऑल्सो हैपेंड. आई थिंक खतरा तो किसी को किसी से नहीं है बिकॉज दोनों की अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी है. टीवी अभी भी इंटरनेट छोटे छोटे शहरों में या छोटे गांव में इंटरनेट नहीं होगा. सो टेलीविज़न तो देखा ही जाएगा. टेलीविज़न की जो ऑडियंस है वो टेलीविज़न की ऑडियंस रहेगी. वहाँ से कुछ डिजिटल में ज़रूर आ जाएगी बट टीवी विल स्टे. और फिल्म तो फिल्म हैं, हमें भी फिल्में ही करनी है और बड़े पर्दे का तो मज़ा ही कुछ और है. सो आई थिंक और ऐसा ही होना भी चाहिए. सबकी अलग स्पेस है और हर स्पेस में काम होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए. काम अच्छा होता है, चैलेंजिंग रोल्स होते हैं तो वो तो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं. बट यस, एक्साइटिंग ज़्यादा है, अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे पार्ट्स करने को मिल रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स करने को मिल रहे हैं. सो एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है. स्टार्टअप की एक अलग दुनिया क्रिएट की गई है. सो एंड विच इज़ वेरी ऑथेंटिक, विच इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड बाय द डायरेक्टर. उनको समझ बहुत है इस पूरे जोन की, तो मुझे मज़ा आया. मतलब अलग था कुछ करने के लिए. मतलब इट्स अ स्मॉलर रोल इन कंपैरिजन विद अदर पार्ट्स आई एम डूइंग, बट एक प्रोटैगनिस्ट और इसकी एक इक्वेशन है. मतलब द प्रोटैगनिस्ट इज ऑलवेज ट्राइंग टू वन अप हिम बेसिकली. सो ऐसा है कुछ. आई थिंक दिस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट वेरी क्लोज टू मी एज अ पर्सन, बट हाँ रिली मेरी पर्सनैलिटी से एम्बिशियस यू कैन से. ही इज़ वेरी एम्बिशियस, ही इज़ वेरी आउट गोइंग, ही इज़ वेरी ही इज़ अ गो गेटर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. जो जिसको कुछ चाहिए तो वो उसके लिए जो जो कुछ करना है वो करेगा और फोकस्ड रह के करेगा और उसको पता है वो क्या कर रहा है. बहुत सारी तरीके की, अभी तो मैंने शुरू किया है. मतलब बहुत सब है जो मैं करना चाहूँगा. Everything actually interesting होना चाहिए. It should be a good story. People telling the story, जो बना रहे हैं उन वो they should be doing it well. अच्छा लिखा हो, अच्छा पार्ट हो, तो मैं हर तरीके का पार्ट करना चाहूँगा. मैंने आलिया के साथ एक ad shoot किया था अभी recently जो गौरी शिंदे ने direct किया था. So yeah, I guess पूछ ही रहे हो तो फिर आलिया. आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वेन एवर यू वॉच समथिंग यू कैन एब्सोल्युटली फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड राइट बैक टू मी एंड टेल मी आपको कैसा लगा. एंड वट एवर फीडबैक्स यू गिव आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दे रियली मोटिवेट अस एज वेल. सो फाइंड मी एंड राइट टू मी एंड टेल मी हाउ यू लाइक इट. एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर कैसा अच्छा लग रहा है, जैसे आप लोग लिखते हैं वैसे वैसे कीप राइटिंग इन मोर. इट्स रियली मोटिवेटिंग. थैंक यू.